सो so, देख लेते हैं कि प्रेगमेटिक्स प्रेगमेटिक्स एग्जैक्टली exactly होता क्या है प्रेगमेटिक्स में हम स्पीकर मीनिंग को देखेंगे स्पीकर की क्या इंटेंशन हैं या स्पीकर का क्या परस्पेक्टिव है वो किस इंटेंशन से अपना अपनी बात को कन्वे कर रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कॉन्टेक्सट सिमेंटिक्स में तो हमने देखा था देखा था कि स्टडी ऑफ लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड ठीक है एक जो वर्ड है उसके लिटरल मीनिंग को हमसे मैंटिक्स करते हैं यहाँ पे लिटरल मीनिंग uh, का कोई सीन नहीं है इसमें हमने सिंपल देखना है कि स्पीकर किस इंटेंशन से बात कर रहा है या स्पीकर के कहने का क्या मतलब है और ये उसकी इंटेंशन कौन डिसाइड करेगा एक कॉन्टेक्स डिसाइड करेगा हम कॉन्टेक्स से ही जान पाएंगे कि असल में क्या बात हो रही है या क्या मैसेज कन्वे हो रहा है सिंपल मीनिंग ऑफ फ्रेगमेटिक्स इज हाउ द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट सेटिंग एंड हाउ पीपल रिएक्ट टू डिफरेंट सिंबल्स तो आगे एग्जांपल देख लेते हैं उससे हमें बैटर क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सेंटेंसेस हैं और वर्ड हमारे पास एक है बेंच कॉन्टेक्सट है।, है, है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन सा वाला बेंच यूज हो रहा है एक बेंच हमारे पास होता है कि एक सिटिंग ऑब्जेक्ट ठीक हो गया और एक बेंच हमारे पास होता है ग्रुप ऑफ जजेस अब जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है जब हम एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ही हमें समझ आएगा कि स्पीकर या फिर राइटर uh, की क्या इंटेंशन थी या वो क्या बात कर रहा है वो किस परस्पेक्टिव में बात कर रहा है तो सिंपल हमारे पास प्रेगमेटिक्स क्या होती है इंटेंडेड मीनिंग को हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इनविजिबल मीनिंग इट मीन्स लाइक हाउ वी रिकग्नाइज वट इज मैंट इवन वट इज़ नॉट एक्चुअली सेड यानी कि एक्चुअल वर्ड्स यूज़ किए बगैर या एक्चुअल बात बोले बगैर किसी बात का मतलब समझ आ जाए या स्पीकर की क्या इंटेंशंस हैं अपनी बात में वो चीज़ हमें क्लियर हो जाए लेकिन इसके लिए आपके पास कोई ना कोई अजम्पशन या कोई ना कोई हिंट होगी या उसके आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड मीनिंग पता होंगे तो ही आप स्पीकर uh, की बात को समझ पाएंगे और इन uh, और उन हिंट्स में हमारे पास डिफरेंट uh, कॉन्टेक्ट हो सकते हैं कोई रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं कोई रिप्रेजेंटेटिव साइंस और सिंबल्स हो सकते हैं उर्दू लैंग्वेज में हम नॉर्मली uh, कहते हैं कि uh, समझने वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होता है तो यहाँ पे समझने वाले को कोई ना कोई इशारा कोई ना कोई क्ल्यू और हिंट दी जा रही है तो ही वो बात समझ रहा है अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट द मैसेज अगर आप इस स्लाइड को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक साइन बोर्ड है जिसपे लिखा है हीटेड अटेंडेड पार्किंग जिसका मतलब है वी कैन पार्क अ कार हेयर इन अ हीटेड एरिया विद एन अटेंडेंट टू लुक आफ्टर इट और अगर देखा जाए तो इस साइन बोर्ड पे ना कार मेंशन है ना एरिया मेंशन है ना ये मैंशन है कि अगर अटेंडेंट है तो आपकी कार को लुक ऑफ्टर करेगा लेकिन सिलेक्टिव वर्ड से जो हमें हिंट uh, दी गई है एक्चुअल वर्ड्स uh, बोले बगैर वो बात कन्वे हो गई है और ये हमारी ही एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हम एक साइन को या फिर जो भी एक इनविजिबल मीनिंग स्पीकर और राइटर हमें कन्वे करना चाह रहे हैं हम उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो आप ठीक से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे उसको आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे लेकिन अगर आपको आइडिया है तो आपको मैसेज कन्वे हो जाएगा कि हाँ भाई आपने कार पार्किंग पार्क करनी है एक हीटेड एरिया में और वहां पर कोई अटेंडेंट होगा जो आपकी गाड़ी को लुक ऑफर करेगा जैसे पहले मैंने बात की कि इनविजिबल मीनिंग में हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन थिंग भी आ जाएगी जैसे अब यहाँ पे दो साइन बोर्ड हैं इनके साथ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन नहीं मेंशन लेकिन इन साइन बोर्ड से ही आ, हम बात समझ समझिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं अगर ये पी है ऊपर ब्लॉकेज इसका मतलब है कि नो पार्किंग एरिया ठीक है किसी आ, जगह पर लगा हो जहाँ पर पार्किंग अलाउड ना हो तो वहाँ पर सिर्फ साइन ही देख के नेक्स्ट पर्सन समझ जाएगा कि ये पार्किंग एरिया नहीं है इसी तरह सेकेंड सिंबल है वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो मतलब क्या है कि प्रेगमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मोर गेट्स कम्युनिकेटेड देन इज सेड कि कहा कम जाता है और समझा ज़्यादा जाता है या कुछ कहे बगैर ही आपके पास चीज़ें कन्वे हो जाती हैं तो ये सारी चीज़ें कहाँ किस से रिलेट कर रही हैं प्रेगमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन से क्या आप स्पीकर की इंटेंशन समझते हैं आप उस स्पीकर का मतलब समझते हैं एक कॉन्टेक्स्ट को लेकर ठीक है आपके पास एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर या फिर एक फनेटिक्स की जो भी स्टडी है वो मैटर नहीं करती आपने सिर्फ स्पीकर या राइटर को देखना है वो क्या कह रहा है उसकी इंटेंशन क्या है एक कॉन्टेक्स्ट के थ्रू वो सब स्टडी करना है फिर हम कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि हम प्रेगमेटिक्स में बार बार कह तो रहे हैं कि द बेसिक रोल इज प्लेस बाय द कॉन्टेक्स बट वट इज एग्जैक्टली द कॉन्टेक्सट कॉन्टेक्ट हम कहते हैं जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं आपकी बात को लेके या आपके मैसेज को लेके वो हाँ आपके पास कॉन्टेक्स होगा और जैसे कि ये लेक्चर मैंने प्रिपेयर किया द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बाय जॉर्ज यूल तो जॉर्ज यूल अपनी बुक में कहता है कि आप एक टेक्स्ट का या स्पीकर का या राइटर का जो भी मैसेज है वो सिर्फ उसके वर्ड से नहीं कन्वे होता बल्कि उसके पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से कन्वे होता है तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है द मीनिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट is not in the words alone but in what we think the writer intended to communicate in a particular context. इसको फर्दर समझने के लिए हमारे पास दो types hain जिसमें first type hai हमारे पास physical context. अब फिजिकल कॉन्टेक्स वर्ड से जाहिर है कि हमारे पास प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस जो है वो मैटर करेगी यानी कि हम जो बात करते हैं या सुनते हैं तो वो हमने किस जगह पे की किस टाइम की या किस सिचुएशन में की वो हमारा फिजिकल context होगा इसकी सिंपल example है कि अगर हम एक वर्ड है बैंक इसको हम आ, कहीं पे लिखा हुआ देखें तो उसकी जो भी फ़िज़िकल लोकेशन है कि आसपास अगर कोई कैश बैंक है तो हम समझ जाएंगे कि कैश बैक को इंडिकेट कर रहा है और अगर आसपास कोई रिवर है तो या रिवर बैंक है तो हम समझ जाएंगे कि रिवर बैंक को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फिज़िकल लोकेशन डिसाइड करेगी कि हमने एक वर्ड को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है या फिर हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स ही नहीं फिज़िकल कॉन्टेक्स बनाते बल्कि कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस भी होती हैं कुछ और बैकग्राउंड या जो भी चीज़ जो अपनी प्रेजेंस को या एग्जिस्टेंस को शो कर रही है वो हमारे पास फिजिकल कॉन्टेक्स में आ जाएगा जैसे अब इंडियन ड्रामाज में एक टोन बचती है जब कोई शॉकिंग चीज़ होगी कुछ चीज हैरानगी हो वाला मतलब एक्ट होगा तो एक शॉकिंग सी उसमें टोन बजेगी तो वो टोन भी हमारे पास फिजिकल कॉन्टेक्स का पार्ट है क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस से एक एक शॉकिंग मूड जनरेट हो रहा है ठीक है तो वो वहाँ पे वो उस चीज़ को समझा रहा है कि हाँ इस उस टोन से हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है मतलब कुछ स्ट्रेंज हुआ है कुछ हैरानगी वाला हुआ है इसी तरह हमारे पास कुछ रिप्रेजेंट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस होती हैं जैसे ये साइन हो गया पार्किंग का ठीक है अब अगर ये जो पार्किंग का साइन है अपनी एक्यूरेट फिज़िकल लोकेशन पर है तो ही उसका मीनिंग कन्वे हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर इसी साइन बोर्ड को इस पार्किंग वाले साइन बोर्ड को हम अपने रूम में ला के रख दें उस पर तो लिखा हुआ है कि पार्क है पार्क योर कार है और वट एवर जो भी है ठीक है तो क्या है इसका मीनिंग कन्वे हो रहा है नो no. क्योंकि इसका फिजिकल या इसकी जो सराउंडिंग है वो हमारे पास गलत है तो जो सराउंडिंग है उसका एकूरेट होना जो कॉन्टेक्स्ट है उसका एकूरेट होना हमारे पास इंपॉर्टेंट है किसको बात को समझने के लिए तो हमारे पास एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट उसका ठीक होगा तो ही हमें बात समझ आएगी और इसके अलावा जो हमने पीछे बात की कि वो फिफ्टी परसेंट ऑफ वाली तो फिफ्टी परसेंट ऑफ का क्या है कि अगर वही बैनर एक शॉप के ऊपर लगा हुआ है तो वहां उस वो जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है वो जो शॉप है हमारे पास फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में वो उस बात को कन्वे कर रही है कि हाँ इस शॉप में हमारे पास फिफ्टी परसेंट सेल ऑफ़ है लेकिन अगर वही बैनर किसी ऐसी हवा की वजह से कहीं पर ऐसे ही गिरा हुआ है लिखा तो उस पर भी यही हुआ है कि फिफ्टी परसेंट ऑफ है लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट हमारे पास गलत है तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो मीनिंग समझने को बात समझने को आ, समझने के लिए मैटर करता है और उसमें जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है उसमें आपके पास लोकेशन और टाइम और सिचुएशन भी मैटर करेगी देन द सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर जो है जो एक सिंथेटिक इन्वायरमेंट है वो मैटर करेगा ठीक है किसका एक वर्ड का भी हो सकता है एक फेस का भी हो सकता है एक सेंटेंस का भी हो सकता है यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल सिर्फ एक वर्ड के अकॉर्डिंगली मेंशन की है कि एक वर्ड के जो भी एक कॉन्टेक्स्ट होगा वो डिसाइड करेगा यहाँ पे क्या बात की जा रही है जैसे हमने लेक्सिकल रिलेशन में एक होमोफोन टर्म परी थी होमोफोन का क्या मतलब था कि सेम वर्ड्स बट डिफरेंट मीनिंग्स अब वो डिफरेंट मीनिंग्स किस तरीके से कन्वे हो रहे हैं वो एक कॉन्टेक्स डिसाइड करेगा ठीक है और अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड है बैंक इसके अगर हम लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स को देखें तो हमें समझ आएगी कि कहाँ पे कौन सा वाला बैंक यूज हुआ है ठीक है और ये जो भी हमारे पास सराउंडिंग वर्ड्स होते हैं इनको हम को टैक्स कहते हैं बिकॉज दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वट इज मैंट ठीक है इसके अलावा सिर्फ एक सेंटेंस में ही न, अ, में अ, सिर्फ लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स नहीं अप्लाई होता बल्कि अगर आपके पास एक पैराग्राफ है क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है सिर्फ एक सेंटेंस से आपकी बात नहीं कन्वे हो रही होती वहाँ से आपको नहीं समझ आ रही होती कि ये एक्चुअल में किस बारे में बात हो रही है तो अगर एक आप पैराग्राफ की सूरत में लें तो उस पैराग्राफ का भी जो लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होगा जो भी उन सेंटेंसेस का एक कॉन्टेक्स्ट होगा वो हमारे पास लिंग्विस्टिक ग्रीक वर्ड विच मीनस पॉइंटिंग वियर लैंग्वेज को यूज करके या वर्ड्स को यूज करके जो भी एक पॉइंटिंग फंक्शन परफॉर्म होगा उसको हम डेक्सिस कहते हैं और ये हमारे पास जो डेनोटेशन हैं वो चेंज करें होंगी फ्रॉम वन डिस्कोस टू अनदर क्योंकि इसमें फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है जो डेक्सिस है वो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है जिस तरह अगर उसका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ उसी तरह से हमारे पास जो डेनोटेशन हैं जो पॉइंटिंग फंक्शन हैं सम वर्ड्स के वो हमारे पास चेंज हो गए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल क्या मैंशन है यू विल हैव टू ब्रिंक दैट बैक टू बिकॉज दे आर नॉट हेयर ठीक है यहाँ पे हमारे पास तीन डेक्सीज हैं दैट दे हेयर ठीक है अब यहाँ पे हमें बात समझ नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास फिजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं है अगर हम, हमें इसका फिजिकल कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो हमें ये बात समझ आ जाएगी सो डेक्सिस डिपेंड फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑन फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर अटर्ड विदाउट फिजिकल कॉन्टेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट सेंटेंस देन हेयर वी आर हैविंग थ्री सिंपल टाइप्स ऑफ डेक्सिस पर्सन डेक्सिस प्लेस डेक्स एंड टाइम डेक्स वो एक्सप्रेशन जो हम एक पर्सन को पॉइंट करने के लिए यूज करें उसको हम पर्सन डेक्सेस कहेंगे इस तरह जो लोकेशन और प्लेस को करें वो प्लेस डेक्सेस हैं और जो टाइम को पॉइंट आउट करें वो हमारे पास टाइम डेक्स है फॉर एग्जाम्पल अस डैम दो एरियस हमारे पास पर्सन डेक्सेस हो गए हेयर ओवर देयर प्लेस डेक्सिस ट्रुनाई रेस्टर डे नाव टाइम डेक्सेस ठीक है और जितने भी ये एक्सप्रेशन हैं वेदर दे आर पर्सन प्लेस और टाइम डेक्सिस इन तमाम एक्सप्रेशन को हम डेक्टिक एक्सप्रेशन कहेंगे

तो प्रिगमेटिक्स में जो चीज़ भी हम पढ़ेंगे आगे जो टर्म्स भी पढ़ेंगे वहाँ पे हमारे पास स्पीकर की इंटेंशंस की बात आएगी या स्पीकर एक बात को कैसे कह रहा है उसी को ही हम स्टडी करेंगे यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस क्या है रेफरेंस हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो हम किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं ठीक है फर्दर जोर यूज सेल्स दैट वर्ड्स दैम डोंट रेफर टू तो एनी पीपल रेफर इसका मतलब है कि ये लोगों पे यानी कि पीपल या स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो एक पार्टिकुलर वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है अब ये बात जब फर्दर हम इन्फेरेंस के बाद इन दोनों की एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी तो फिर हमारे पास आ जाता है इन्फेरेंस ये भी हमारे पास डेफरेंस का पार्ट ही है एन इन्फेरेंस इज़ द एडिशनल इन्फॉमेशन यूज बाई लिसनर्स टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन वर्ट इज सैड एंड वर्ट मस्ट बी मेंट वीडियो के स्टार्ट से लेकर अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि uh, जो लिसनर uh, है या जो रीडर है ये उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एक सिचुएशन को एक मैसेज को या एक कॉन्टेक्स्ट को इंटरप्रेट करता है ठीक है उस उसकी जो एबिलिटी है वो ऑब्वियसली एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होगी वो जो हमारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम इन्फेरेंस कहेंगे ठीक है वो इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू रीडर uh, या uh, जो हमारे पास लिसनर uh, है वो इंटेंडेड मीनिंग को समझ जाएगा इन्फेरिंग इज टू कंक्लूड गेस एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन आफ्टर ऑब्जर्वेशन जब एक बात उसको कह दी गई है जब एक चीज़ उसने पढ़ ली है उसके बाद वो उसको कंक्लूड करेगा उसको ऑब्जर्व करेगा कि हाँ यहाँ पर यह मैसेज कन्वे हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट रेड शेक्सपियर हेयर द लिसनर रीडर इन्फर्स दैट द नेम स्टैंड फॉर द बुक बिकॉज़ शी नोज़ हु शेक्सपियर इज़ ठीक है यहाँ पर वो इन्फर कर रहा है और इन्फेरेंस हमारे पास के वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है शेक्सपियर को लेके ओके फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट रेफरेंस एंड इन्फेरेंस आई हैव अ लिटल इन्फॉर्मेशन हियर वी शुड नो दैट द स्पीकर इज द वन हु मेक्स द रेफरेंस टू कन्वे हिज इंटेंशन अबाउट समथिंग और समबडी वाइल द लिसनर इज द वन हु मेक्स इन्फेरेंस टू रिकोगनाइज द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर ठीक है हमारे पास दो चीजें हैं रेफरेंस और इन्फेरेंस बोलने वाला या लिखने वाला वो क्या बनाएगा वो रेफरेंस क्रिएट करेगा ठीक है और जो रीडर है वो लिसनर है वो उसको जो आइडेंटिफाई कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को ठीक है वो क्या क्रिएट करेगा इन्फेरेंस यानी कि उसको कंक्लूड करेगा ठीक है तो लिसनर इज़ द वन हु मेक्स इन्फेरेंस एंड द स्पीकर इज़ द वन हु मेक्स द रेफरेंस फर्दर एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं सो बिफोर दिस एग्जाम्पल जॉर यूज इन हिज बुक द स्टडी ऑफ लैंग्वेज ही सेज़ वर्ड्स दैम सेल्स डू नॉट रेफर टू एनी थिंग पीपल रेफर ठीक है वो किस तरह जैसे अगर एक पर्सन है एक स्पीकर है ठीक है वो कहता है वेयर इज चॉम्स की चॉम्पस की कौन है चॉम्स की हमारे पास एक लैंग्वेज था ठीक है थीके? जिसने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं अब जो नेक्स्ट पर्सन है जो लिसनर है वो यहाँ से इन्फर कर लेता है उस मीनिंग को कि यहाँ पे चॉम्स की की बुक की बात हो रही है ठीक है जो उसने बुक्स लिखी हैं उनमें से किसी एक बुक की बात हो रही है तो वो आगे से कहता है इट्स ऑन द शेल्फ ओवर देयर ठीक हो गया तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पीकर था उसने रेफरेंस दी चॉम्प्स की ठीक है चॉम्पस की वैसे तो देखा जाए एक इंसान का नाम है लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो डिसाइड नहीं कर रहे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है जो लोग हैं ठीक है थीके? जो बोलने वाला है स्पीकर है वो अपनी इंटेंशन से अपने कॉन्टेक्स्ट से ये बता रहा है कि यहाँ से जो चॉम्प्स की है उसका क्या मतलब है उसका मतलब एक इंसान नहीं बल्कि एक बुक है ठीक है और जो नेक्स्ट लिसनर है वो अपनी उस जो उसकी जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो उसकी जो इन्फेरेंस है उस उसके उसको इन्फर कर रहे हैं कि वो बुक शेल्फ पे पड़ी है अब यहाँ पे जो उसका जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है यानी कि जो उसकी इन्फेरेंस है वो एक बुक भी हो सकती है कि उसको पहले से उसके पास इन्फॉर्मेशन है कि चॉम्सी एक लैंग्वेज था जिसने काफ़ी सारी बुक लिखी है तो यहाँ पे ये यह बुक की बात कर करें और साथ साथ उसका एक फिजिकल कॉन्टेक्स भी हो सकता है कि मे बी दे आर स्टडींग इन लाइब्रेरी ठीक है लाइब्रेरी में जब बात होगी तो वो ऑब्वियसली एक बुक से रिलेटेड ही होगी तो वो इस हिसाब से वो जो है ऑब्जर्व कर लेता है वो कंक्लूड कर लेता है कि यहाँ पे चॉम्सी की बुक की बात हो रही है एंड देन ही रिप्लाइड इन दैट डायरेक्शन देन रेफरेंस में हमारे पास फर्दर टर्म्स आ जाती हैं एनाफोरा एंड एंटीसीडेंट ठीक है जो हमारे पास सेकेंड रेफरिंग एक्सप्रेशन होगा या जो सब्सिक्वेंट रेफरेंस होगी उसको हम एनाफोरा कहेंगे और जो फर्स्ट मेंशन होगा उसको हम एंटीसीडेंट कहेंगे फॉर एग्जांपल सेली अराइव्ड बट नो बडी सा हर द प्रोनाउन हर इज़ एन एनाफोरा रेफरिंग बैक टू द एंटीसीडेंट ठीक है तो जो फर्स्ट यहाँ पे मैंशन था वो एंटीसीडेंट था और जो बाद में हमने सेकेंड रेफरिंग एक्सप्रेशन यूज़ किया वो हमारे पास एनाफोरा था ठीक हो गया फिर इसी के साथ साथ हमारे पास एक और टर्म आ जाती है कैटरफोरा। कैटरफोरा हमारे पास इससे रिवर्स होगा एनाफोरा और एंटीसीडेंट हमने क्या देखा था कि फर्स्ट हमारे पास एंटीसीडेंट आता है एंड देन हमारे पास एनाफोरा आता है और कैटरफोरा में रिवर्स कर देंगे कि एंटीसिडेंट को हम लास्ट में ले आएंगे ठीक है और एनाफोरा को फर्स्ट पे ठीक है सिर्फ हमने इनकी पोजीशन चेंज की किया अदरवाइज इनके फंक्शन सेम ही है ठीक है अगर प्रोनाउन एनाफोरा में आ रहा था या जो सेकंड रेफरिंग एक्सप्रेशन एनाफोरा में आ रहा था वो फर्स्ट पे आ के भी अपना सेकंड मतलब ही कन्वे कर रहा होगा सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज है फॉर एग्जांपल वेयर डू वी एनवे हिम द बैंक रफ मैन ठीक है हिम हमारे पास एनाफोरा है द बैंक रफ मैन हमारे पास एंटीसीजन है अब देखा जाए बैंक रफ मैन एंटीसीजन आ तो एंड uh, पे रहा है लेकिन फर्स्ट मेंशन अगर देखा जाए यानी कि कौन हमारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है एंटीसीडेंट तो वो एंड पे भी आके अपना रोल वही प्ले कर रहा है इसी तरह अगर इस एग्जांपल में हम देखें वाई डू वी एन वे हिम यहाँ पे हिम हमारे पास है तो एनाफोरा बेशक वो फर्स्ट पर आ गया लेकिन जो उसका रोल है हमें कब समझ आएगा जब तक हम एंटीसीडन से अवेयर नहीं होंगे सही हो गया यानी इनकी पोजीशन तो चेंज कर दी गई है गे, रिवर्स कर दी गई है गे, बट देयर रोल इज एज इट इज ठीक है कैटफोरा में क्या होता है इनकी पोजिशन को रिवर्स कर दिया जाएगा एनाफोरा फर्स्ट में आएगा एंटीसीजन लास्ट में आएगा और वैसे क्या होता है एनाफोरा हमारे पास सेकेंड रेफर है और एंटीसीजन जो है वो हमारे पास फर्स्ट है। हमारे पास पास फर्स्ट है है देन नेक्स्ट टर्म आ जाती प्री सपोजिशन अब प्री सपोजिशन वर्ड से जाहिर है कि कुछ पहले से ही सपोज कर लेना इसमें स्पीकर क्या करेगा प्री सपोजिशन इज समथिंग दैट द स्पीकर अज्यूम्स टू बी द केस प्रायर टू मेकिंग एन एट्रेंस ठीक है अट्रेंस Uh, uh, से पहले ही बोलने से पहले ही वो एक प्री एजम्शन उसकी बना लेगा फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्ट द क्वेश्चन वेन डिड यू स्मोक वेन डिड यू स्टॉप स्मोकिंग देर आर एटलीस्ट टू प्री सपोजिशन इन्वॉल्व यू यूज टू स्मोक

उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रख लेगा ठीक है अब इसमें हमारे पास एक और पॉइंट क्या आता है कि कॉन्स्टेंसी अंडर निगेशन ठीक है जा तो आपके पास एक पॉजिटिव बात है या उस वो तो एक्यूरेट है ठीक है अगर उसमें निगेशन भी आ जाती है तो भी उसमें एक प्री सपोजिशन या उसकी जो पहले की जो एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो कन्वे हो रही है फॉर एक्जाम्पल वेदर यू से माइ कार इज अ अग और माई कार इज नॉट अ रैग देर इज अंडर एंड प्री सपोजिशन आई हैव अ कार दैट रिमेन्स ट्रू ठीक है आपकी कार की जो भी पोजीशन है चाहे वो ठीक है चाहे वो ख़राब है उसमें एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्री सपोजिशन में हमारे पास क्या आ रही है कि ऐट लीस्ट कार है ठीक है जो बोलने वाला है उसके माइंड में क्या प्री सपोजिशन होगी या इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड बैकग्राउंड की कि दैट ही हैज़ अ कार ठीक है तो ये चीज़ें हमारे पास कॉन्स्टेंट रहती हैं बेशक निगेशन आज है ठीक है प्री सपोजिशन हमारे पास कॉन्सटेंट रहेंगी अंडर निगेशन भी और प्री सपोजिशन ऐसा नहीं है कि उसमें स्पीकर खुद से पहले ही तुक्के लगा लेता है कि ऐसा नहीं है तो ऐसा होगा इसमें उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन है पहले से जो भी प्रायर नॉलेज है वो अथेंटिक होगा और एकोरेट होगा ठीक है और ऐसी चीज़ इवन लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती है खुद से तुक्के लगाना खुद से बातों की मीनिंग इंटरप्रेट करना जिस तरह हमने इन्फेरेंस में देखा था सॉरी इनविजिबल मीनिंग में कि ये हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम एक कॉनवर्सेशन को या एक बात की मीनिंग को किस तरह इंटरप्रेट करते हैं ठीक है अगर हम उसको ठीक इंटरप्रेट करें फिर तो वो एक्यूरेट है ठीक है यू आर नॉलेजेबल अबाउट दैट अगर आप उसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं करें तो यानी कि आप ही आपकी एबिलिटी कम है ठीक है यहाँ पे सिंपल यही लॉजिक आती है कि जो ये खुद से तुक्के लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एस ये मतलब होगा इसकी बात की ये इंटेंशन थी तो ये उनकी अपनी एबिलिटी का प्रॉब्लम होता है उसके लिए कोई यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म नहीं मैंशन यहाँ पे जो भी टर्म्स मैंशन है उसकी एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है एक अथेंटिक बैकग्राउंड है फिर हमारे पास आ जाते हैं प्रेगमेट्रिक मार्कर्स प्रेगमेट्रिक मार्कर्स हमारे पास वो शॉर्ट एक्सप्रेशन हैं जो हम एक कॉनवर्सेशन के दौरान अटेंशन बनाने के लिए कंसंट्रेशन बनाने के लिए या फिर उसको अपनी कॉनवर्सेशन को थोड़ा सा डिटेल में हम चले जाते हैं या थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर देते हैं ठीक है हम इसलिए यूज़ करते हैं इसका कोई ऐसा सच कोई बेसिक पर्पज़ नहीं होता हमारे पास ऑप्शनल होते हैं लूजली अटैच दो एट्रेंसेज होते हैं यानी कि वेदर यू यूज इट और नॉट इन द कन्वर्सेशन तो कॉन्वर्सेशन का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा एंड दे बेसिकली डिनोट्स द कंसनट्रेशन ऑफ द स्पीकर टू वर्ड्स इज बिजनेस लाइक इफ़ एनी बडी शेयर्स एन एक्साइटिंग न्यूज़ एंड मे बी यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दैट बट स्टिल यू रिप्लाई लाइक ओ रियली यू डिप्लाई लाइक दिस जस्ट टू होल्ड ऑन द कॉन्वर्सेशन सो ये इनका कोई बेसिक पर्पज़ नहीं होता इसमें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं यू नो आई थिंक वेल आई मीन अब अगर बात हो रही है तो बात करते करते स्पीकर बीच में कहते हैं यू नो वेदर यू नो और नॉट ठीक है आप जानते ना भी हों तो आपकी एक दम से बात पर वापस अटेंशन आ जाएगी कि ओ अच्छा यहाँ पर सुनना था ये तो बस उस इंटेंशन को रिवाइज करने सॉरी अटेंशन को रिवाइज़ करने के लिए हमारे पास प्रेमेट्रिक मार्कर्स होते हैं या फिर समटाइम्स टर्निंग पॉइंट देने के लिए या स्पीकर अपने जब एक बात करके उसको अपना मतलब समझाता है फॉर एक्जाम्पल आई मीन ठीक है थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर देते हैं तो इन पर्पज़ के लिए हमारे पास प्रेमेट्रिक मार्कर्स यूज होते हैं और इनका कोई बेसिक पर्पस या बेसिक यूज नहीं है देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आ जाती है पोलाइटनेस पोलाइटनेस में हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फेस का फेस कहते हैं सोशलॉजिकल कॉन्प्ट है ठीक है फेस हमारे पास क्या है सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट है फेस से मुराद आपकी वो असल या हसीन तरीन शक्ल नहीं है बल्कि इससे मुराद आपका एक पब्लिक सेल्फ इमेज है वो इमेज जो आप लोगों के सामने बनाते हैं और चाहते हैं कि लोग आपको इस तरीके से जाने ठीक है थीके? जैसे हम समाइम्स कहते हैं ना कि आ, ये चीज बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए इससे मेरा इमेज खराब हो जाएगा इमेज से मुराद है कि आपकी वो पब्लिक सेल्फ इमेज और उस पब्लिक सेल्फ इमेज को हम फेस कहेंगे अब पोलाइटनेस क्या है पोलाइटनेस कैन बी डिफाइंड एज अवेयरनेस एंड कंसिड्रेशन ऑफ अनदर अदर पर्सन फेस जब आप किसी दूसरे बंदे की पर्सनैलिटी से अवेयर हो जाएं, उसके सेल्फ इमेज से अवेयर हो जाए कि वेदर ये बंदा जो है अच्छा है बुरा है इंट्रो है एक्सट्रो है मोडेस्ट है वो चीज़ें हम पोलाइटनेस में देखते हैं ठीक है यानी कि अवेयरनेस होना एक पर्सन की इमेज से अवेयरनेस होना उसकी पर्सनैलिटी से उसके फेस से अवेयरनेस होना पोलाइटनेस कहलाती है देन पोलाइटनेस में हमारे पास फेस फेसनिंग एट एंड फेस सेविंग एक्ट आ जाता है फेस स्ट्रेटनिंग एट में यानी कि आप उस तरह की लैंग्वेज यूज करें जो कि एक डायरेक्ट एक्ट हो आप कोई कमांड दे दें बगैर ये सोचे कि अगले को कैसे लगेगा अगला ये काम करेगा या नहीं करेगा मतलब फॉर्मल हुए बगैर आप डायरेक्टली एक बंदे को अप्रोच करें और उसको कोई काम कह दें तो लिंग्विस्टिकली दैट विल बी द फेस थ्रेटनिंग एक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू यूज़ अ डायरेक्ट हमानू गेट सम वन टू डू सम गिव मी देट फेप ठीक है आपने डायरेक्टली उसको कह दिया कि ये पेपर दे दो और समाटा आपके एक्सप्रेशन भी ऐसे वो थ्रेटन टाइप होते हैं और थ्रेटनिंग में बायद वे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप उसको थ्रेटन करें उसको डरा के लें यह सिर्फ पावर को शो करता है और आपके डायरेक्ट फीच एक्ट को शो करता है ठीक है और फेस सेविंग एक्ट में आप थोड़े पोलाइट हो जाते हैं आप थोड़ा सा आ, आ, मतलब श्योरिटी से हट के आप पॉसिबिलिटी की तरह

तो जो फेस सेटनिंग एक्ट है उसमें सिर्फ सरफेस वर्ड्स ही मैटर नहीं करते उसका एक मतलब आ, सारा सनैरियो क्रिएट करने में बट उसकी पिच भी मैटर करती है कॉन्टेक्ट भी मैटर करता है स्टेटस भी मैटर करता है बैकग्राउंड भी मैटर करता है और फेस सेविंग एक्ट में हमारे पास समाइम्स सिचुएशंस होती हैं जिस वजह से हम अगले से थोड़ा सा इस तरह फेस आते हैं समटाइम्स अगले को ट्रस्ट में लेने के लिए अगले को कंट्रोल करने के लिए या फिर ऐसी एक बंदे की जनरल सा बिहेवियर होगा तो वो फेस सेविंग एक्ट को ही प्रेफर करेगा और लेस सोशल पावर को भी शो uh, करता है और समटाइम्स ऐसा होता है कि एक अथॉरिटी का ऑनर होते हुए भी एक बंदा फेस सेविंग एक्ट को ही uh, प्रेफर uh, करेगा राधा दैन द फेस थ्रेटनिंग एक्ट जो हमने एक सोशल पावर uh, का एक कंपैरिजन uh, किया था तो ये चीजें हमारे पास एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्ट एंड रिबिलियन में चली जाती है अदरवाइज हमारे पास फेस थ्रेटनिंग और बहुत सारी चीज हमने क्लियर कर दी लास्ट में हमारे पास आ जाता है नेगेटिव फेज एंड पॉजिटिव फ़ेज़ नेगेटिव फ़ेज़ यानी कि आप एक इंट्रोवर्सी पर्सनालिटी भी कह सकते हैं या एक इंडिपेंडेंट बंदा जिसको अपने आस आसपास आस पास माहौल से या एक सोशल चीज़ों से उसका कोई कंसर्न नहीं होता उसका जैसे दिल करता है वो करता है उसको अगर अकेले रहना पसंद है तो वो अकेले रहता है अगर आ, वो इजीली ना कर देता है चीज़ों को ठीक है अगर फॉर एग्जांपल उसको किसी ने कोई काम बोला या कुछ भी तो ईज़िली अपने कंफर्ट के लिए उसको नो बोल देगा ठीक है वो नेगेटिव फेस है कि वो इंडिपेंडेंट है उस वो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है वो फ्री है ठीक है वो अपने डिसीजनस में फ्री है अपनी डिज़ायर्स में फ्री है वो ईज़िली जो चाहे वो कर सकता है और पॉजिटिव फेस में हम क्या होता है कि हम सोशली कनेक्टेड होते हैं एक पर्सन है जिसको मतलब जो अकेला रहना पसंद नहीं करता वो सोशली इंटरेक्शन में ठीक रहता है तो सोशल इंटरेक्शन में फिर वो जब रहेगा तो उस हिसाब से वो डिपेंडेंट रहेंगे एक दूसरे पे एक दूसरे की आ, मतलब एक दूसरे से डिस्कशंस करेंगे एक दूसरे के एग्रीमेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे या फिर अगर कोई काम है तो वो मिलकर करेंगे फॉर एग्जाम्पल दे विल से लेट्स डू दिस टुगेदर और जो नेगेटिव फेस होगा वो उसका यही होगा कि ओके आई विल डू इट माई सेल्फ ओके और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेगेटिव फेस यहाँ पे एक नेगेटिव uh, इंडिकेशन नहीं दे रहा है एक फेस की ठीक है दोनों अपनी जगह ठीक uh, हैं नेग, नेगेटिव फेस नाम तो है नेगेटिव फेस, लेकिन उस सेंस में कि वो इंडिपेंडेंट है ठीक है वो थोड़ा सा फॉर्मल uh, है थोड़ा इंडिपेंडेंट है वो थोड़ा फ्री है और जो पॉजिटिव uh, फेज है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट आ जाता है अपनी सोसाइटी पर या सोशल गैदरिंग्स में ठीक है और दोनों में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगेटिव फेज कोई बुरा नहीं है सिर्फ इनमें फर्क के हिसाब से इन्हें पॉजिटिव और नगेटिव का फेस दिया गया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो एंड इफ दिस लेक्चर वॉज हेल्प फॉर यू दैन डू लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल और इफ़ देर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड मैच और एनी अदर लेक्ड बिफोर यू कैन इजिली आस मी इन द कॉमेंट बॉस सो आई एम हेयर टू रिप्लाई यू सो यू कैन इजिली आस सिम्पल इज दैट